नमस्ते साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं SSC जो 10+2 की वैकेंसी है उससे संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ। SSC ने अपना जो 10+2 के जो आवेदन है वो स्टार्ट कर दिए हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 8/4 को फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 8 अप्रैल को फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 7 मई लास्ट डेट है। 7 मई से पहले पहले आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए SSC की जो SSC.gov.in वेबसाइट है उसके माध्यम से आवेदन होंगे, और यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो भी इस बार आपको नया रजिस्ट्रेशन इसमें करना होता है, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करें। जैसे ही आपके पास SSC से संबंधित सूचना पहुंचे तुरंत आप इसमें आवेदन करें। और दूसरी चीज़, इसमें आपको फोटो स्कैन करके नहीं होगी, आपकी फ़ोटो जो वेब कैमरा है उसकी सहायता से आपको जो फ़ोटो इसमें लाइव कैप्चर करनी होती है। यदि आप अपने जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसके द्वारा भी आप इसमें फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं कैमरे के द्वारा, वो लाइव ही फ़ोटो इसमें अपलोड होती है, स्कैन करके या फोटो खींच के फ़ोटो अपलोड नहीं होती, आपको लाइव ही फ़ोटो अपलोड करनी होती है। और जो सिग्नेचर है वो आप स्कैन करके इसमें अपलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल भी इसमें दिया गया है। जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम शेड्यूल टायर फर्स्ट का हो जाएगा और टायर सेकंड का बाद में सूचना दे दी जाएगी। इसमें जो कुल वैकेंसीज हैं अप्रोक्स 3712 वैकेंसीज इसके अंतर्गत हैं, और ये जो SSC.gov.in वेबसाइट है इस पर आपको कैंडिडेट कॉर्नर में आप ये जो टेंटेटिव वैकेंसी देख सकते हैं। इसमें जो एज है 18 से 27 ईयर इसमें एज है, OBC SC ST जनरल और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको एज में आरक्षण भी है। एज लिमिट देख लीजिए, 1/8/2024 के अनुसार एज की इसमें गणना की जाएगी। 18 से 27 ईयर है और रिजर्व कैटेगरीज को इसमें आरक्षण भी दिया हुआ है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD अनरिजर्व को 10 साल, PWD OBC को 13 साल और PWD SC ST कैटेगरी को 15 साल। एक्स सर्विसमैन को इसमें 3 साल की छूट है, जो उनका जो रिटायर होने के बाद 3 साल की इसमें छूट होती है। और अधिक जानकारी के लिए आप इसमें ये जो नोटिफिकेशन है वो रीड कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि मैंने आपको शुरू में ही बता दी है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 7 मई 2024 है, और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10+2+ आपको टाइपिंग आनी चाहिए, बस इतना ही इसके अंतर्गत एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब।